माय चैनल अस्तो सिंह आने पे। चलिए चलिए हो गया। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्तो सिंघानिया व्लॉग्स। तो वादे के मुताबिक वीडियो लेट हो गया। लेट होने का कारण ये है कि इधर बारिश चालू है, स्टार्ट है, शुरू है, बाढ़ भी आ चुका है, फ्लड इन बिहार। यस, वीडियो सबसे पहला हमने डाला था, तो वो वीडियो आज हम बनाएंगे। और मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि वीडियो मेरा एक महीने बाद आया था। क्यों आया था? इसके दो कारण थे, सॉरी तीन। तो प्रॉब्लम नंबर वन, सबसे पहला प्रॉब्लम यह था, जिस फोन से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, उसका ईयरफोन जैक खराब था, तो आवाज आने जाने में दिक्कत होता है कि नहीं? दिक्कत होता था कि नहीं होता था? बहुत ज्यादा होता था। और दूसरा कारण ये था कि इस फोन का टच ऊपर का, ये दोनों साइड वाला जो है, ये काम नहीं करता था, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम यह था कि बस यही दोनों प्रॉब्लम था, बस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हमने सेटअप ही चेंज कर दिया, पूरा इधर का उधर कर दिया, यानी कि दूसरा फोन ले लिया। तो अब शायद वीडियो भी अच्छा है, क्वालिटी में आएंगे, और हल्का सा वाइट भी, ये देख रहे हो, इतना सारा, तो हल्का सा वाइट भी आएगा, नाइस। तो मैंने फोन लिया, कौन सा लिया था? तो मैंने फोन लिया Redmi Note 7 Pro, जिससे अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। आई लाइक इट, यू ऑल्सो लाइक इट। तो हर एक यूट्यूबर की तरह एक परंपरा है, कुछ भी लाओ तो अनबॉक्सिंग बनता है। तो अब आपको हम अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। तो ये है हमारा नया फोन, जिसको पहले से मैंने अनबॉक्स कर रखा है, लेकिन परंपरा निभाने के लिए फिर से अनबॉक्स करेंगे। तो इसको ऐसे फाड़ेंगे बस। ये हमारा फोन है, ये कवर, और इसको यहाँ से ऐसे करके निकालेंगे और इस पे चिपका देंगे। तो मेरा फोन, ये आपको Redmi Note 7 Pro आप देख सकते हैं, कैमरा क्वालिटी ओ माय गॉड। और ये फोन लेने का मेन रीजन ये है, ये यस अच्छा था, आई लाइक इट। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे वीडियो का क्वालिटी भी थोड़ा सा साफ होगा, मतलब अच्छा होगा। अब जो प्रॉब्लम आने वाली है वो प्रॉब्लम है माइक में। माइक की प्रॉब्लम ये है कि आपको आवाज नॉइज ज्यादा आती होगी। अब मेरे को जरूरत है माइक की, तो माइक मैंने ऑर्डर कर रखा है, ये बोलूंगा तो झूठ बात होगी, तो मैं ऑर्डर कर लूंगा। और क्या, और कुछ नहीं, बाकी सब बढ़िया। और एक बात और, आज के व्लॉग के लिए मैं यहीं तक था, इससे आगे मेरा जुड़वा भाई रहेगा आपके साथ, तो मेरे साथ मैं उनको फोन लगा रहा हूँ आपके सामने में, इंतजार कीजिएगा। हेलो हेलो, किधर है रे बाबा? टावर पे बाबा। अरे यहाँ जनता हमारे बैठे हुए हैं, तुम वहाँ क्या कर रहे हो लौंडे? अरे जरा 250 ग्राम निकाल रहा था, अब वीडियो बनाना है फायर पान का। पान पे आग लगाना है? हाँ, आग लगा देना उसमें, हो जाएगा। चलो ठीक है, ठीक है, बस। तो अब आप उनके पास जाइए, हमारा कार्यक्रम यहीं तक था, धन्यवाद। सेम टोपी सेम फेस, जुड़वा है ना हम, इसलिए। तो अभी वी आर इन टावर चौक, और यहाँ पे अभी ऊपर से ऑर्डर आया फायर पान का वीडियो बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, न्यू मिठाई घर के जस्ट ये छोटा सा गली है, इसमें जाओगे तो
तो देख सकते हैं ये छोटा सा दुकान, हमारे फायर पान भी और आइस पान भी यहाँ मिलता है। जिनको पता होगा यहाँ आइस पान पहले से मिलता है, बहुत पहले से, और फायर पान के बारे में बहुत को नहीं पता, तो यहाँ फायर पान भी मिलता है, मतलब यहाँ आग भी लगता है, आग भी लगता है, क्या भी लगता है ना। यहाँ बैठे हुए हैं और ये बैठे हुए हैं वेरी बिजी मैन। बहुत करते हो पान पान, क्या है पान, बोलते हो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, फायर पान पे आग नहीं लगा ठीक से। तो रिव्यू ये है फायर पान का कि बस वही सेम टेस्ट, कुछ अलग नहीं, बस हल्का जला जला आपको महसूस होगा, और बस पैसे हैं, बस पैसे के उससे अच्छा 10 रुपये का था लेना, एक नंबर मीठा पान, सेम टू सेम जैसा मीठा पान वैसा होता है फायर पान, इसमें आग लगा दो बस फायर पान। बहुत बोलते थे आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, किधर गया, नहीं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, लेकिन हमारे पान में आग ही नहीं लगा, आई लाइक इट। और ये अभी हम लोग हसन चौक पे, वी आर इन हसन चौक नाउ एंड वी आर गोइंग राज मैदान के इधर, नाउ वी आर इन रेड फोर्ट, नहीं नहीं दरभंगा वाला रेड फोर्ट, वहाँ नहीं दिल्ली नहीं, ये पीछे दिख रहा है इधर वाला, हमने भी रेड फोर्ट बना रखा है यहाँ पे, और दिल्ली वाले से ज़्यादा अच्छा है, तो आपने दिल्ली वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, तो रेड फोर्ट वाला ब्लॉग मैंने डाला था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। हाँ तो यहाँ पे ज़्यादा फोटो शूट कर रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे आपको हमारी तस्वीरें मिलेंगी, बहुत खास तस्वीरें मिलेंगी। ये फ्रेम में कोई घुस रहा था मेरा, वो खराब कर रहा है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हमने नहीं इन्होंने बनवाया था, ये इधर वाला रेड फोर्ट, कैसे हो अंकल, मस्त मजा मस्त। हाँ तो अगर आप दरभंगा में रहते हो और अगर आपको शांति वाली जगह चाहिए, तो इधर शांति नहीं है, लेकिन यहाँ के वाइब्स एक नंबर, यहाँ पे आओ लगभग संडे के, अगर संडे के दिन पे आते हो तो और बढ़िया, आपको बहुत कुछ दिखेगा यहाँ पे, मतलब अरे उधर मेरे हमारे भैया बैठे हुए हैं, मतलब देख रहे हैं कि कर क्या रहा है, आज उनको भी लिंक भेजेंगे। भैया आप आ चुके हैं हमारे ब्लॉग में, तो इस फोन के आ जाने से आप देख सकते हैं कि आप रात में भी वीडियो अच्छे से शूट कर सकता हूँ। वो फोन में प्रॉब्लम ये था कि मतलब अगर शाम हो जाता है किधर भी ब्लॉगिंग के लिए जाता हूँ तो फिर ब्लॉग हो नहीं पाता, इधर लाइट आ रही है अच्छी, लेकिन फिर भी क्वालिटी एक नंबर, और जैसे कि अंधेरा में भी जाऊंगा तो फिर वहां भी एक नंबर क्वालिटी रहता है।